गुड इवनिंग एवरी वन. नाउ इन दिस वीडियो आई हैव टू डिस्क्राइब यू अबाउट द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट विच इज़ प्रिस्क्राइब इन आर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 268 to 293. आई होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर योर जुडिशरी. सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन लिस्ट में टैक्सेस लगाने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के हाथ में है. ये तो हमें समझ आ. सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर. कैसे टैक्सिंग पावर को एलोकेट किया गया? पार्लियामेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी द टैक्स ऑन यूनियन लिस्ट. पार्लियामेंट के पास पावर है, वो लेवी करती है टैक्सेस जो है यूनियन लिस्ट पे. स्टेट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी द टैक्सेस ऑन स्टेट लिस्ट. ऑटोमेटिकली है यूनियन लिस्ट का जो एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लिस्ट का एक्सक्लूसिव पावर स्टेट के पास है. बोथ हैव द एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी द टैक्सेस ऑन कॉन्करेंट लिस्ट. दोनों के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर ले सकती है. उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट. स्टेट के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है? स्टेट कैन इम्पोज ऑन अ प्रोफेशन ट्रेड्स बट टोटल अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 2500 पर एनम. स्टेट क्या कहते हैं, ऑन प्रोफेशनली अगर देखे तो ट्रेड के ऊपर लगा सकती है टैक्स, बट टोटल अमाउंट जो है वो 2500 पर एनम से एक्सीड नहीं करनी चाहिए. नो टैक्स कैन बी इम्पोज ऑन सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट. कोई भी टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं होगा सेल ऑफ गुड्स का जो आउटसाइड स्टेट से आ, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंटर स्टेट सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स बाय द पार्लियामेंट. ये सब कौन लगाएगा? पार्लियामेंट लगाएगी, स्टेट नहीं लगाएगी. स्टेट सिर्फ स्टेट के अंदर के काम के लिए ही टैक्सेशन लगा सकती है. स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज अ टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. बट यहाँ पर जो स्टेट है वो लेजिस्लेचर, जैसे हरियाणा की स्टेट है उसका जो स्टेट लेजिस्लेचर है हरियाणा का, वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अपनी ही स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकता है. लेकिन सेंटर लेवल के ऊपर पूरी कंट्री लेवल की अगर कोई बात होगी तो वो सेंटर करेगा. नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिवेन्यू. कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? 18th Amendment of 2000, जो 18th अमेंडमेंट है 2000 की, और 86th अमेंडमेंट है 2003 की, बोर द मेजर चेंजेस इन रिवेन्यू सिस्टम. उसने बहुत बड़े मेजर चेंजेस किए हैं हमारे रिवेन्यू सिस्टम के अंदर. ठीक है, प्रेजेंट पोजीशन है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. टैक्सेज लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट. आर्टिकल 268 बोलता है जो टैक्स है लेविड किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, लेकिन उनका जो कलेक्ट और अप्रोप्रिएट कौन करता है? स्टेट करता है. वो कौन से टैक्सेज हैं? जो लेवी तो सेंटर करेगा लेकिन कलेक्ट और अप्रोप्रिएट स्टेट करेगा, जो 268 कहता है. जैसे कि स्टैम्प ड्यूटीज, चेक, प्रॉमिसरी नोट्स, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिवल एंड ऑन द मेडिसन, एक्साइज ड्यूटी ऑन द मेडिसन मेडिकिनल एंड टोटल प्रिपरेशंस कंटेनिंग ऑफ एल्कोहल एंड नारकोटिक्स. इन सब के ऊपर जो आर्टिकल 268 कहता है कि सेंटर लेवी करेगा टैक्सेस को, कलेक्ट और एप्रोप्रिएट स्टेट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्टिकल 268 जो बोलता है सर्विसेज टैक्सेस लेविड बाय द सेंटर. जो सर्विसेज टैक्सेस हैं वो लेविड किए जाते हैं सेंटर के द्वारा बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय द सेंटर एंड द स्टेट. मतलब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकते हैं या फिर वो मिलजुल के जिस अकॉर्डिंग जहाँ पर अप्रोप्रिएट बैठेगा वैसे भी वो कर सकते हैं सेंटर और स्टेट दोनों. द प्रिंसिपल ऑफ देयर कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन आर फॉर्मुलेटेड बाय द पार्लियामेंट. लेकिन जो इनका प्रिंसिपल होगा किस तरीके से कलेक्ट करना है, कैसे मतलब फॉर्मुलेट उसको कैसे करना है, वो पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करना. फिर आता है अगला आर्टिकल 269 जो बोलता है टैक्सेज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर. टैक्सेस लेवी और कलेक्ट भी सेंटर करेगा लेकिन अजाइन किसको करेगा? स्टेट को. स्टेट के तो मजे हैं, सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर. सेल किसी भी परचेज को अपनी स्टेट के अंदर परचेज करना सेल करना सिर्फ न्यूज़पेपर को छोड़ के इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, तो फिर वहाँ पर स्टेट को अजाइन किए जाएंगे टैक्सेस. टैक्सेज ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड वो भी स्टेट के पास ही अजाइन किए जाएंगे. अगला पॉइंट आर्टिकल 270, टैक्सेज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. यहाँ पे भी क्या कर रहा है, 270 में भी कलेक्ट लेविड और कलेक्ट भी सेंटर कर रहा है, जैसे कि उसमें सर्विसेज के टाइम पे हुआ था, सर्विसेज आई एम सॉरी लेवी किया था. अच्छा ठीक है, टैक्सेज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो रेफर की गई हैं आर्टिकल 268, 268A and 269, सर चार्जेज ऑन द टैक्सेज एंड ड्यूटीज रेफर्ड इन, जो मतलब उस
ड्यूटीज जो रेफर की गई हैं उसके उसके जो 268 तो उसके अंदर जहाँ पे अप्रोप्रिएट लगेगा सेंट्रल स्टेट इक्वलिटी में बांट लेंगे। फिर आता अगला पॉइंट सर चार्जेज ऑन द टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफर्ड इन आर्टिकल 271। सर चार्ज जो टैक्स और ड्यूटीज पे लगाना जो आर्टिकल 271 के अंदर बताया गया है कि जो ये टैक्सेस होगा सर चार्जेस का उसके अंदर स्टेट का कोई शेयर नहीं होगा। ठीक है, 271 के अंदर जो सर चार्जेस बताया गया उसके अंदर स्टेट का कोई शेयर नहीं होगा। उसके बाद एनी सेस लेविड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, कोई भी सेस जो सेस क्या होता है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जैसे एजुकेशन के लिए हो गया, एजुकेशन सेस हो गया, तो वो उसके लिए उसने कहा है कि सेंटर और जो डिस्ट्रीब्यूट सेंटर और स्टेट अपने हिसाब से करेंगे। टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन बाय द स्टेट, कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो स्टेट ही रखता है, कलेक्ट भी वही करता है, लेवी भी वही करता है, रिटेन भी वही करता है। लैंड रिवेन्यू, एग्रीकल्चर, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट, अल्कोहल, टूल्स, स्टैम्प ड्यूटीज, स्टैम्प ड्यूटीज, सेल्स एटेक्सा। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, उनके लिए कुछ प्रायर रिक्वायरमेंट सही होती हैं पार्लियामेंट्स की, लेकिन फिर भी इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रिस्क्रिप्शन है कि जो टैक्स लेविड, कलेक्टेड और रिटेन का अगर पॉइंट आता है तो ये वाले जो टैक्सेस अभी मेंशन किए हैं वो स्टेट के पास अथॉरिटीज़ होती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू, कैसे नॉन टैक्स रिवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सेंटर और स्टेट, सेंटर के ऊपर पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, करेंसी, स्टेट के ऊपर फॉरेस्ट, फिशरी, स्टेट पब्लिक सेक्टर, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करना नॉन टैक्स रिवेन्यू को। कैसे करते हैं, सेंटर के ऊपर पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, करेंसी, स्टेट के ऊपर क्या नॉन टैक्स रिवेन्यू में क्या मिला, फॉरेस्ट, फिशरी, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। फिर अगला टॉपिक आता है ग्रांट इन एड का, जो बताता है स्टैट्यूटरी और डिस्क्रिशनरी एंड अदर्स। स्टैट्यूटरी बोलता है आर्टिकल 275 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कुछ ग्रांट्स बनाना जो स्टेट के अंदर जो देर इज़ अ नीड चार्ज ऑन द, जिसके जो चार्जेस होंगे कुछ ग्रांट्स देना जिसके चार्जेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से आएंगे। स्टैट्यूटरी ग्रांट इन एड की जो पावर है पार्लियामेंट को दी गई है आर्टिकल 275 के अंदर, जो चार्ज जो जिसके जो चार्जेस की जब जरूरत पड़ती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से निकाले जाते हैं। फिर अगला पॉइंट आ रहा है देयर इज अ डिस्क्रिशनरी पावर, जो आर्टिकल 282 एम्पावर करता है सेंटर और स्टेट के ऊपर जो बनाते हैं टू मेक एनी ग्रांट टू द पब्लिक पर्पस, टू मेक कोई भी जो ग्रांट जो मतलब करते हैं पब्लिक पर्पस के लिए सेंटर इज इन नो ऑब्लिगेशन टू गिव अ ग्रांट। आर्टिकल 282 जो है एम्पावर करते हैं सेंटर और स्टेट दोनों को कि पब्लिक पर्पस के लिए सेंटर के ऊपर कोई भी इज सेंटर इज नो ऑब्लिगेशन टू गिव ग्रांट। पब्लिक पर्पस के लिए अगर सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर है, ये नहीं है कि सिर्फ सेंटर की ऑब्लिगेशन है वहाँ पर ग्रांट देने की। दूसरी पावर अदर्स के अंदर आएगा टेम्परेरी पीरियड्स के लिए और एक्सपोर्ट कैन जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं जूट को एंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, मतलब एक्सपोर्ट करना उस पर कैसे ग्रांटी ने मतलब कैसे की उसके टैक्सेशन उसका कैसे होगा। स्टैट्यूटरी, डिस्क्रिशनरी एंड अदर्स, ये था हमारा फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इस तरीके से इसको थोड़ा सा बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।